Hello dear students, this is your video lecture series for class 12th accountancy paper. As you all know that class 12th is a very important milestone in the life of every child. Reason is that it gives you a window to enter into an institution of your choice. If you get good marks, certainly you are in a better position to get good course and a good college. So it is very important that you approach your topics of all the subjects very carefully and in an organized manner. Iska reason ye hai ki agar tum apna syllabus topic wise dhyan se karoge, then all the theory as well as numericals will come naturally to you. You will be building up on your knowledge. तुम्हारा knowledge धीरे धीरे बढ़ेगा. So ऐसा नहीं है कि तुमने एक topic शुरू किया and then within a few days आप expert हो जाते हो. These topics are something which you learn over a period of time and gradually the knowledge builds up. धीरे धीरे तुम्हारी knowledge बढ़ेगी. पर किसी भी topic में knowledge बढ़ाने के साथ साथ और questions अच्छे से attempt करने के साथ, it is equally important that you take care of the whole course. मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक तुम्हें बहुत पसंद है या कोई टॉपिक बहुत स्कोरिंग है. So you are giving your full attention to that topic and meanwhile you are forgetting about the others. So the whole perspective should be on the entire course. So before you start anything, तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, पहले उसका सिलेबस देख लो कि इसमें क्या क्या है और मैं इसे कैसे अप्रोच करूंगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु वॉन्ट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड इट इज इक्वली रेलिवेंट उन लोगों के लिए जिन्हें एटलीस्ट एक अच्छा स्कोर लेके आने. सो अकाउंटिंग के सिलेबस में तीन पार्ट्स हैं. पार्ट ए है आपका अकाउंटिंग फॉर not for profit organizations, partnership firms and companies. मतलब तुम्हें तीन तरह की अकाउंटिंग करनी है. तीन स्पेसिफिक केसेस हैं इसमें. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. अब इनकी मार्किंग समझो. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ 10 मार्क्स कंटेंट. पार्टनरशिप फर्म एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इट्स वेरी लेंथी ऑल्सो, 35 मार्क्स. सो मार्क्स जस्टिफाई द कॉन्टेंट. ओके, देन यू हैव कंपनीज 15 मार्क्स, सो दैट मेक्स इट 60 मार्क्स. सो योर पार्ट ए कंप्लीटली इट हैज अ टोटल वेटेज ऑफ 60 मार्क्स. देन यू हैव पार्ट बी. योर पार्ट बी इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस. सो you have already learned making of financial statement. Statement banana tumhe aata hai, wo tumhare liye problem nahi hai. Ab tumhe kya karna hai, you are going one step ahead. Wo statements tumhe de denge, ab unhe analyze karo. Analyze karne ke liye tools hai isme, like comparative statement banani hai, ratio analysis karna hai, aur you are to make cash flow statement. So different tools are there. अब इस टॉपिक में तुम्हें वो टूल्स समझाएंगे. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टूल्स आर कमिंग इन दिस. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेटेज इज 12 एंड 8 मार्क्स, टोटल 20. तो लग रहा होगा कि भाई ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, 20 मार्क्स ओनली, बट इट इज नॉट दैट. योर थर्ड पार्ट दैट इज योर प्रोजेक्ट वर्क इज बेस्ड ऑन दिस. सो प्रोजेक्ट में ऐसा है कि द मार्क्स आर एंटायरली इन योर हैंड्स. यू आर टू मेक अ प्रोजेक्ट एंड देन according to what you have done you will be getting marks. तो ये 20 marks ऐसे हैं जो तुम अपने इस B section के knowledge के साथ साथ कुछ project करके earn कर सकते हो within your school time. अब ये project बनते कैसे हैं, this I will be explaining you once we are through unit 4 and 5. basically तुम्हें इसमें ये tools को use करना है और एक project बनाना है. आप analyze करोगे companies को और maybe over time, maybe you will be analyzing different companies for 1 year.
और उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोजेक्ट बनाओगे. सो बेसिकली दिस पार्ट बी इज ऑफ 20 मार्क्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज फॉर 20 मार्क्स. सो दिस ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 40 मार्क्स. और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो 20 मार्क्स की जो नॉलेज तुम गेन करोगे पार्ट बी में, इसी को यूज करके तुम्हें अपना प्रोजेक्ट बना लेना. सो दिस इज वॉट यू विल गेट राइट ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम. So this is how your topics are bifurcated. Although there are options for part B and C also. Against part B you have computerized accounts and part C is a practical work. However, in my video lectures, I will be concentrating on these three parts and not on the options. So we will start with the topics one by one and then we will see that how we can approach project work on its basis. So coming to the detailed syllabus, because these are all topics only, within each topic what is there, like when we start with the financial statements of non-profit organization, तो तुम्हें इसमें क्या करना है, पहले समझना है कि ये non-profit organizations होती क्या है, किस organization को तुम non-profit organization या not-for-profit organization बोलोगे और कौन सी नहीं होगी. Then, if there is a not-for-profit organization, जिसे हम short form में NPO बोलते हैं, not-for-profit organization, NPO, then what is included in their final accounts? Because the final accounts that you know till now after 11th class are trading and P&L account, balance sheet. But these are for profit-making organizations. So if there is a not-for-profit organization, then what are its accounts? So its accounts are receipts and payment account, income and expenditure account and a balance sheet. So you are to understand these statements and then you are to prepare these statements. So this is all covered in not-for-profit organizations. Then in the partnership firm, second subunit of first part is accounting for partnership firm. It has a major chunk of marks, 35 marks. So इसमें topics भी बहुत से होंगे. फर्स्ट थिंग इज द बेसिक फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स में तुम्हें बस ये समझना है कि पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप बनती कैसे है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप बनाते हुए, विच वी कॉल पार्टनरशिप डीड, और अगर ये नहीं होता फिर क्या करते हैं. देन पार्टनर्स आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, आपस में बिजनेस का काम कैसे करते हैं, प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं. सो what they do for division of profit, distribution of profit among them. So preparation of a P&L appropriation account, their capital accounts, adjustments. So all these are comprised in the fundamentals. इसके बाद अगली चीज आ जाती है goodwill. Goodwill is a sort of separate topic also, कि goodwill क्या होती है business की और उसे evaluate कैसे करते हैं. But it is included in firm, partnership firm. इसे इसी में include कर दिया है. Because इसके आगे जो टॉपिक्स आएंगे देयर इन यू विल बी यूजिंग गुडविल. सो एक्चुअली गुडविल का रेलेवेंस सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए नहीं है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो, बट पार्टनरशिप में ये रेलेवेंट हो जाती है वेन वी आर वर्किंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स अकाउंटिंग फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिविजन, डिसोल्यूशन एटसेट्रा. सो गुडविल इसलिए पार्टनरशिप में इंक्लूडेड है. अब इसमें क्या क्या आ जाता है, वेन यू रिकॉन्स्टिट्यूट, रीऑर्गेनाइज योर फर्म. अब फर्म कैसे रीऑर्गेनाइज होती है, वेन यू चेंज योर रिलेशंस, लाइक चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और सिंपली क्लोजिंग ऑफ द फर्म विच इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. सो पार्टनरशिप के टॉपिक्स दो सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है. देन कम्स द थर्ड यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. नाउ इन केस ऑफ कंपनीज वी आर गिवन only basic things. Basic क्या है इसमें, accounting for their share capital, accounting for their debentures. जो companies हैं वो थोड़ी सी different होती हैं बाकी businesses से. Like you might have heard at your home or you might have read in the newspapers many a times, this company is bringing up an issue of shares. ये company अपना issue लेके आ रही है, ये नए shares आ रहे हैं, ये share market में shares बिक रहे हैं, तो वो शेयर्स जो हैं जो कंपनी की कैपिटल है उसके पार्ट होते हैं. सो अब एक कंपनी अपनी कैपिटल रेज कैसे करती है, अकाउंट कैसे करती है,
फिर कंपनी डिबेंचर्स कैसे इश्यू करती है, इट इज अ काइंड ऑफ लोन, तुम्हें लोन लेना है ना कंपनी को, आप बैंक के पास जाओ, यू कैन टेक टोटल लोन, यू गो टू पब्लिक, वेन यू टेक लोन फ्रॉम इंडिविजुअल पब्लिक देन इट इज कॉल्ड डिबेंचर्स. सो इट्स अप टू द कंपनी. सो हाउ टू अकाउंट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो जस्ट द रेजिंग ऑफ द कैपिटल एंड द डिबेंचर्स इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. सो दिस इज यूनिट 3. देन कम्स यूनिट 4. इन यूनिट 4 यू हैव analysis of financial statements. As I told you that it's a very important topic and it is very interesting. Your project work is based on this. Now in the analysis you have first sub part, financial statements of a company. Now you have the financial statements, you have prepared them, you have seen them for normal businesses, that is sole proprietorship or partnership. But when we come for the analysis, we look for the company's statements. So their statements are presented in a different manner. Accounting is same. Same assets, same liabilities, expenses, income, everything is there. But presentation is different. So we need to study how financial statements of a company are presented. Then how do we analyze them? And why do we do this? Analysis mein iska objective, importance and limitations. Then the tools. So comparative statements, common size statement, cash flow analysis, ratio analysis. After understanding the tools, tumhe do isme tools ko use karne. Number one is ratios. So different types of ratios are calculated for analyzing the statements. So ratios kon kon si hongi. Then finally, last tool, cash flow statement. So what is cash flow statement? Its meaning and objective and its preparation. This is all included in the accountancy paper for second year. So these are 5 units. First 3 are part of part A. Next 2 are the part of part B. And in all, these units are having 80 marks, 20 marks for the project work, which we will take up once we have done the analysis part, because project work will be based on this. So you are to understand ki sare topics ke content kya hain, and then you are to work for each of these. To iske baad jo tumhare jo next video series aayegi, usme we will be taking up these topics one by one. So first one is statements of not-for-profit organizations. So we will be taking up this topic in the coming video. So stay tuned, and if you like it, then do like the video, share the video and subscribe it, so that you get to know about the upcoming videos at the earliest. Thank you.